व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। आप देख सकते हो मैं नहा ली हुई, बाल मेरा ड्राई भी नहीं हुआ प्रॉपर, लेकिन मैं जा रही हूँ गाइज, मुंबई जा रही हूँ। और बता नहीं से अभी मुंबई नहीं जा रही हूँ, मुझे रांची जाना, कोई काम है। वो क्या काम है मैं आपको बताऊँगी आगे। लेकिन अभी क्या था ना, बस का मेरा वो था, टिकट था, लेकिन बहुत लेट हो गए, बस निकल चुकी है। अब सारे लोग पता कर रहे हैं रांची के लिए कोई ट्रेन हो, 3-3.5 घंटे का ही रनिंग होता है ट्रेन से, लेकिन मैं ट्रेन से प्रेफर बिल्कुल नहीं करती हूँ जाने, जस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन नहीं मिलेगा आपको, तो लोकल से जाना होगा। तो ठंड का टाइम है, हवा है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, फिर भी जाना है अर्जेंट, इसलिए मुझे निकलना हो रहा, नहीं तो मैं कल निकलती। चलो मैं रास्ते में बताती चलती हूँ क्या करना है कैसे करना है। हेलो हेलो, आप सोच रहे थे मैं कहाँ हूँ। मैं रांची जा रही थी गाइस, और आप सबको पता ही है, और बस छूट गया। फिर मेरे साथ जो आ रही थी बोली कि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, आप देख सकते हो कहाँ है, कहाँ, हाँ यहाँ पर खड़ी है सीट। और हमारा लगेज देखो, इतना सारा लगेज है, एक लैपटॉप का बैग मेरे ये कंधे पर है। तो वो बोली कि मुझे पता करके, खैर अब ये बात कर मुझे नहीं लगता करना चाहिए, पर हाँ ये ऐसा हुआ कि हम लोग गलत ट्रेन में चढ़ गए और हम लोग रामगढ़ उतर गए। रांची जाना था, रांची स्टेशन, और हम लोग रांची रोड उतर गए यहाँ से रामगढ़, रामगढ़ से फिर अभी बस आएगी, बस आने ही वाली है 15 मिनट में, फिर हम लोग रांची जाएंगे, फिर वहाँ से कुछ लोग आएंगे, फिर हम लोग को रिसीव करेंगे, फिर मैं आगे का बताऊँगी कि मैं यहाँ रांची। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक आधा घंटा से ज़्यादा हो गया होगा हम लोग यहाँ पर रुके हुए, और वो जो भैया बोल के गए कि बस आ रही है, आपसी बस आ रही है, यहाँ बस लगी हुई है, ये बिहार जा रही है, ये साइड से जो जाएगी ना वो बिहार जाएगी, ये साइड से जो आएगी वो रांची को जाएगी। तो बसेस तो आ रही है, जा रही है, इसी वहाँ भी है, तो ये सारे बिहार के बसें हैं, और पता नहीं रांची वाली बस कब आएगी। हम लोग उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, लगेज बहुत ज़्यादा है, और काम भी बहुत ज़्यादा है, लाइक रेस्ट का थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलेगा। तो बस आ जाए, बस यही जल्दी बस आ जाए यार, ठंड लग रही है और लगेज भी है, और ये लैपटॉप का जो बैग है ना बहुत ही ज़्यादा भारी है, सीरियसली मेरे बैग ऑलमोस्ट चला गया है। तो बस आती है फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस। सो गाइस आपको दिख रहा होगा बस मिल चुकी है और हम लोग जा रहे हैं, आई थिंक यहाँ से 45 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। यस, तो एक घंटे का टाइम है, आई थिंक मुझे नींद आ रही है, आप देखो कैबिन में। आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ बैठी हूँ, है ना, मॉर्निंग है भगवान। कल रात में बहुत ज़्यादा स्याप हो गया, बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ, ट्रेन बस करते करते, फिर जब हम लोग पहुँचे ना तो होटल भी नहीं मिल रहा था, पता है जल्द बारह होटल गए, सारा होटल फुल है, पता नहीं रांची में ऐसा क्या हो रहा है। एग्ज़ाम्स भी है शायद आज, तो इसलिए तो मैं होटल आ गई हूँ कैसे, मैं होटल तुम्हें बता दूँ रांची में क्यों आई हूँ, मैं रांची एक म्यूज़िक एल्बम के लिए आई हुई हूँ। यस, तो आज मेरा शूट होना है, डे और नाइट दोनों शूट है, तो जल्दी जल्दी रेडी होती हूँ, आप देख सकते हो ये मेरी मेकअप हेयर ड्रेसर है। तो जल्दी जल्दी हम लोग रेडी होते हैं, हम लोग को लोकेशन के लिए निकलने, यहाँ से लोकेशन 40 किलोमीटर्स दूर है, तो अभी मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं, तो मिलते हैं आपके लोकेशन बैठते करके, मेरा वीडियो चेक करो। तो भाई अभी मेरा मेकअप चल रहा है, आप देख सकते हो अभी पूरा मेकअप नहीं हुआ, इससे बेस लगा हुआ है, अभी मेकअप का मैं दिखाती हूँ। बोल दी तो मुझे चाय पीना था, तो चाय के लिए मैंने बोला, तो गई थी चाय लेने, तो अभी आ गई है, तो अपने मेकअप करा के बता दूँगी। वाह
व्हाट्स अप गाइस, व्हाट्स अप। तो फाइनली मेरा मेकअप डन हो गया ना मेकअप। हाँ जी, बस हेयर बच गया है, मैं अभी स्ट्रेट करवा रही हूँ। लेट्स सी आगे क्या होता है, स्टे ट्यून। फाइनली हम लोग लोकेशन में पहुँच गए और आपका लोकेशन का बैक साइड दिखा रही हूँ। इतनी छोटे से अमरूद का पेड़ में आप देखोगे अब सी कितना सारा अमरुद लगा है और कितना प्यारा गार्डन है। और आप देखो मेरी गाय माँ, और देखो ये तो है ही। अब एक छुटको सा पेड़ है उसमें भी आप देखो अमरुद लगा हुआ है। इतना छोटा सा पत्ता दिख नहीं रहा लेकिन आप देखो अमरुद कितना बड़ा बड़ा है। सी ओ गॉड, यहाँ भी है, ये बैक साइड है। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई, बहुत ही ज़्यादा। 7 बजे मैं लोकेशन गई थी और अभी 11 बज रहे हैं। 8 बजे पैकअप हो गया था लेकिन फिर उसके बाद 8 बजे पैकअप हो गया था लेकिन उसके बाद सारे लोग का डिनर, और कौन कहाँ जाएगा क्या, मतलब होता है ना, कुछ लोग उस होटल में स्टे कर रहे, कुछ लोग इस होटल में स्टे कर रहे हैं। मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ कि मैंने मेकअप भी अच्छे से रिमूव नहीं किया। आप देख सकते हो मैंने वाइटनिंग से वाइट किया, दैट्स इट। ना ऑयलिंग की हो, ना फेस वॉश की हो, कुछ भी नहीं। इतना ज़्यादा ठंड है ना गाइस, इतना ज़्यादा ठंड है और इतना ज़्यादा टायर्ड हो ना, मुझसे खाना भी नहीं खाएगा। इधर कहीं खाना देखो, यहाँ मैं ऑर्डर करवा के लेकर आई हूँ, पार्सल, लेकिन मैं खाना नहीं खाई और ना ही मेरी हिम्मत है। बस मैं आप सबसे बताना ये चाह रही थी कि मेरा शूट कंप्लीट हो गया, गाना बहुत जल्द आने वाला, गाना बहुत अच्छा शूट हुआ है। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करो, मेरे गाने को भी लाइक करना, जब आएगा मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। आज के ब्लॉग में यहीं पर एंड करती हूँ। बाय, गुड नाइट। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय।